नमस्कार एरिना टेलिभिजन देखिरहला सम्पूर्ण दर्शकबिनके हामी दुई हात जोडीके नमस्कार गर्छौं। तोरसिन देखिरहला छ अखने एरिना टेलिभिजन मिडिया फर युथ हमरसिनके विभिन्न केबल अपरेटर माध्यमसे हमरसिनके देशभर देखे सक्छै जनता आरो ओइनन करिके हमरसिनके लाइभ देखे लगना तोरसिन www.erinatelevision.com.np लगन करिके तोरसिन संसारभर लाइभ प्रत्यक्ष रूपमे देखे सक्छै आरो ओइनन करिके तोरसिन एरिना टेलिभिजन सर्च करिके एरिना टेलिभिजनके पेज लाइक करबै जनता औसे भी हमरसिनके सम्पूर्ण कार्यक्रम तोरसिन फेसबुक लाइभ मार्फत भी देखे सक्छै। आज रवि दिन छिकी सूर्य भयागल तोरी सियान के मन पसिन थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज साथ दिया रहल छुन हमें तोरी सियान के संग हमें नीरज खवास अरे इतना खाना हमरा कैमरा दिशन साथ दिया रहल छी जयराज राजवंशी जी। आज भर्खर मौका पेले जनता इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज देखे लगना तोरसिन के सबसे पहिना हमें इटा कार्यक्रम के जानकारी देवे चाह जेकि इटा कार्यक्रम में कहनी थारू समाज में संघर्ष करते विभिन्न व्यक्तित्व संगे के बातचीत आर ओन करके एक विषय वस्तु में रही के विभिन्न गाँव में जाके ओथिन कर रहल बासिंदा संगसंगे बातचीत आर बनिया बनिया गीत संगीत सुना के भी हम तोरसिन के इटा कार्यक्रम मार्फत मनोरंजन करते अलुस। आज तोरसिन देखते हुए एक घर में उपस्थित छिन जेकि आज हमें एकजना थारू समाज में संघर्ष करते व्यक्ति के हमें इटा कार्यक्रम में हमें मेजवान के रूप में हमें उपस्थित करनीस ओकरा हमें स्वागत करबे करबू जेकि ये कोई नया हबी के थारू महिला उत्थान के अध्यक्ष सीता चौधरी जी रहल छी। हमें ओकर संगे बहुत बातचीत जोड़बी आज जेकि ओकर संगे बातचीत जोड़े से आगू सबसे पहिना कमने एक फुटेज तोरसिन के देखाऊ आर इटा फुटेज के बाद एक गीत थारू गीत तोरसिन के देखाऊ आर थारू गीत के बाद में एक छुमा व्यापारिक विश्राम के बाद सीता चौधरी संगे बातचीत हमें अवश्य भी जोड़बे करबू। तोरसिन देखते रहन एरिना टेलीविजन
तारीफ गुन करबू तोहर रूप के मोहरा छू फिल्मी हीरोइन के तारीफ गुन करबू तोहर रूप के मोहरा छू फिल्मी हीरोइन के सब जाऊ तोरा हर एक चीज से छूट देऊ लगावे सो उस वस से मिनी कर मन कर हन छे कुछ कुछ लही राजा कहवै जे बूझे हम सपना जा जा रतिया पुतलिए कहवै ले बूझे हम सपना 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 है के सपना देखा छाए सपना अलग ढंग से ले हो रा करवू बेसी सौ से माया करवू तोरा अलग ढंग से ले हो रा करवू बेसी सौ से ओ पानी देवू न जनू तयो थकरी देव चपनी लगा के कार्यक्रम के पैनकर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहे तोरेसियान के मनपसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज इटा व्यापारिक विश्राम के आगो हम तोरसिन के कहल छू जी आज हमें बातचीत जोड़बू थारू महिला उत्थान समाज के अध्यक्ष सीता चौधरी जी संगे हम एक कार्यक्रम में स्वागत छू करे चाहे सीता जी स्वागत छू धन्यवाद कि नंग छै कतना के व्यस्त छै ठीक छै अखुनका व्यस्त छी कने कार्यक्रम सम आबि रहल छै तकर तैयारी सम करि रहल छियै और एना करके समाज सेवा के क्षेत्र में छै कनिकरा गाँव घर तिर व्यस्त छी अखुन थारू महिला उत्थान इटा संस्था किने खलक संस्था इटा संस्था में किने लागलै थारू महिला उत्थान समाज एकटा सेवामूलक संस्था छी और ई संस्था विभिन्न जात जाति के क्षेत्र में काम करे वाला संस्था छी और ई संस्था के नाम जे जुन अगाड़ी थारू राखल गेल छै तो हमरा सबके थारू महिला सब चूल्हा चौका में मात्र सीमित भाके पढ़ल लिखल महिला सब जे अखुनका विभिन्न हमरा सबके थारू महिला सब पढ़ल लिखल बेटी पुतौ सब रहे छै तो ऊ महिला सब चूल्हा चौका में मात्र सीमित रहे छै तो तै के लेल हमरा सबके थारू महिला सब भी ई सामाजिक क्षेत्र में आगे आओस अगाड़ी बढ़ोस कह के थारू महिला उत्थान समाज विभिन्न जात जाति के क्षेत्र में काम करोस कह के ईटा संस्था चूल्हा चौका दिने कहले इटा महिला के इटा चूल्हा चौका करना जरूरी छे अपन सिख समाज आब अपना सबके समाज में चूल्हा चौका बनाएल पनि आब बाल बच्चा घर परिवार तो देखे ले पड़े छे उ साथ साथे चूल्हा चौका में मात्र नहीं भाके कनिकरा महिला सब सामाजिक क्षेत्र में पनि अगाड़ी आओस कहले चाहे छी हमें आब जरूरी तो आब पड़े छै अपन घर परिवार तो देखे ले पड़ते कहले त महिला छी महिला के विभिन्न किस्म के
चरण सम रहै छै तो अपन परिवार के अगाडि बढाइ के लेल और अपन बाल बच्चा के पालन पोषण साथै अपन श्रीमान घर परिवार सासु ससुरा के सेवा पनि गरेले पर्छ तो चुल्हा चौका के पनि ओइमे भूमिका रहै छै अपन सबके समाज में अपन सबके एटा थारू महिला सम के लागि कतना के शिक्षित छी आर अखने कतना के शिक्षित कमनी शिक्षा पावे लगनी अखने वंचित छी बहुत अपन सबके एटा थारू समाज में थारू समाज के महिला सम इना के उत्थान किने के करलो जति लखा लाग्छ तोरा हमरा सबके थारू समाज में विशेष करके थारू महिला सम चाहे पहले से हमरा सबके थारू जाति के जगह जमीन तो बहुत छले तर चेली बेटी सब के शिक्षा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमी करल के बहुत कमजोरी करल के कति ले कि बेटा सब के पढ़ाबे और बेटी सब के चाहे नहीं पढ़ाबे तो ते के लेल हमर महिला दीदी बहन सब एक रति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पछा छे और एकरा उत्थान करे के लेल हमरा जहाँ से मन लागे आब तो अखुनका के जेनरेशन के जो अखुनका बाल बालिका सब से युवा सब से उ सब तो शिक्षा पाबिए रहल छे तर शिक्षा के साथ साथ जनचेतना पनि हई के चाहिए और जो अखुनका जुन जे पहले बीतल पीढ़ी के जुन महिला दीदी बहनी सब से जेना हमरा सब के भेली तो हमरा सब के सर्वप्रथम पहला चाहे जनचेतना के आवश्यकता छे जनचेतना जे जेना करके हेते तो हमरा लागि हमरा सब के समाज अवश्य शिक्षित हेते अरे इन करके कमनी अपन सी के थारू समाज में महिला सब के कतना के हिंसा छी किने हाबी रहल छी किने छी इटा हिंसा रा अपन सी के इटा थारू समाज में ई थारू समाज में हिंसा बहुत छे कथी ले कि ओ हिंसा में एकटा हमहु परल छी हमहु बहुत पीड़ित महिला छी जेने कि इएह संस्था हमरा सब के सुचारू करली तो बहुत किस्म के चुनौती सब भोगे ले परल अनेक किस्म के बाधा अड़चन सब हमरो के ऊपर में एल हिंसा के क्षण में जाइ छी तो एकटा पारिवारिक जेना महिला सब रहै छै तो जनचेतना के कारण से बहुत हिंसा सब भेल जेना घराइसी हिंसा राजनीतिक हिंसा सामाजिक हिंसा ई हिंसो विभिन्न तह तह में रहै छै तो जेना आब घराइसी हिंसा भेल तऽ पारिवारिक भीतर में और सामाजिक हिंसा भेल तऽ एकटा परिवार कुछो करे ला आटल छै तऽ और समूह और भी ओकर ऊपर में लागल राजनीतिक हिंसा बनेको जेना हमरा सब के एकटा कुछो करे ला आटै छै तऽ हमरा सब के ऊपर में बहुत किस्म के चुनौती सब आबै छै तऽ बहुत किस्म के हिंसा सब हमरा सब के पार करते और महिलो सब बहुत किस्म के हिंसा सब में पड़े अखुनका अखुनका सम्म जे ढूंगे युग में करलके तर इक्कीसौ शताब्दी में आबि के भी जनचेतना के कमी छै जे हमरा सब के हिंसा में पड़ल छी जे कि अखने अपन सिख समाज में अखन तक चलते एल छी थारू के दारू नहीं हेती तो चलबे नहीं करती यहाँ ना दारू खा के कमनी पुरुष हम दारू खा के घर में जाके कम अपन परिवार के एकदम दुख दे रहा है कौन कहता है इटा के बारे में ईटा के बारे में हम इह कहे चाहे थारू सम दारू खेबे करे कहीं के जुन बात सम आबि रहल छे वास्तविक भी लागे है कथी ले कि बहुत किस्म के हमर थारू दाजू भाई सम ना हमर थारू समुदाय के औकरत सम कनिकरा ई लागू पदार्थ दिसर ई कथी कहे दारू सम पी के एक रति घर में जुन हिसाब से चेतना दै के चाही जे अखन विभिन्न किस्म के पारिवारिक विश्लेषण से युवा सब विदेशी हेल पड़ल छे हुनकर मुलुक में जाके काम करे ले पड़ल छे तो हमरा जहाँ से मन लागे जे हमर थारू दाजू भाई सब जिन पहले छले पहले आब दारू के विश्लेषण करे दारू पिए तो अखुनका से एक रति लागे सीमित तरीका से भए रहल छै तऽ हम इएह कहै लए चाहै छी जेना पहिलका भनाई छलै ओ भनाई के कटौती करके आब सुधारू कथी ले कि आब हमरा सबके पहिले का नहीं अखुनका के हिसाब में जौं तऽ जनचेतना सब भए रहल छै तऽ ईटा दारू के कम कर देते तऽ पारिवारिक बहुत उजागर हेतै कहै लए चाहै छी हमें बहुत सुखमय हेतै साथ साथे जुन पैसा दारू में खर्च करै छै ओ पैसा अपन बेटा 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 बेटी में लगानी करतै तऽ ओ बेटा बेटी बहन के ई अपना सब के देश के कर्णधार बनि के कोनो बनिया बनतै तऽ हमरा लागि ओ बच्चा सब तऽ थारू के नाम ने राखतै तऽ ओहि के लेल हमर वएह अनुरोध करै छी जे ओ दारू के दूर हटा के कनिकरा ओ रकम चाहिँ अपन परिवार में खर्च करै ले अनुरोध करै छिए सीता चौधरी अपन व्यक्तिगत तरफ से एटा थारू महिला सब के किने के देखि रहल छै किने छी एटा अपन सी के थारू महिला के संघर्ष कतना छै अपन सी समाज के लागि
हम अपन व्यक्तिगत सोच से बहुत संघर्ष छे अपना सबके समाज में कहीं समाज परिवर्तन करे ले और समाज के निम्ति सोचे ले बहुत किस्म के संघर्ष और पार करे ले पड़े छे कहते ले कि सबसे बड़का ऐसा चुनौती चल आबे छे एकटा हमें महिला हम एकटा सर्वसाधारण परिवार के कहीं करके बहुत किस्म के संस्था मार्फत जाए छी तो हमरा अनेक किस्म के चुनौती सम आबै छै कथि ले कि एकटा कोनो भी कार्य करे ले आँटे छिए तो सर्वप्रथम आर्थिक के बात आबै छै तो आर्थिको के बात में पनि चुनौती है कथि ले तो हमरा सबके कोनो भी कार्यक्रम करे छिए तो एकटा ओहि सुना जनचेतना मूलक ताकि ओहि सुना एकटा चेतना होस कहिके हमरा सबके ओ स्टेज मार्फत देखाय ले चाहै छी मगर हमरा सबके चाहिँ बहुत ई महिला सबके बहुत किस्म के चुनौती समाज से बोले तो हमरा बहुत नहीं असल लागे ये बहुत आत्मा कान ये कथि ले कि एक महिला के जब हमरा सबके 33% हक अधिकार दें तो हम कहे हाथे मालो करके अगाड़ी जाऊँ वही सुना हमर जैसन हमीटा सीता चौधरी नहीं छी हमर सन सन के सुना 10,000 10,00,000 सीता चौधरी अगाड़ी बढ़ते तो फायदा हमर थारू जाति के मात्र नहीं भाके नेपाल में रहेवाला संपूर्ण नेपाली हमर नेपाली भाषी सम के भी फायदा छी और ई महिला दीदी बहनी सम जे पहले हिंसा के चपेटा में पड़ल छले तू हिंसा के चपेटा में नहीं पड़ोस और 33% अधिकार नहीं 50% अधिकार के बराबर होस कहे ले चाहे छे हमर व्यक्तिगत सोच छै से छे एक बातचीत रोके चाहे छे हमें तोसिन देखी रहा छे अपने थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज साथ दे रहा छे हमें तोरी सियान के संग में नीरज खवास आर इतना खाना तोरसिन बातचीत हमें करी रहा छे कि थारू समाज के महिला उत्थान के अध्यक्ष रहा छी सीता चौधरी जी हमें ओकर संगे बातचीत जोड़ी रहा छे तोसिन प्रत्येक हफ्ता के रविदिन साँझ 6 बजे से 7 बजे तक देखे सकते थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज मात्र एरिना टेलीविजन से जेकि कार्यक्रम में हमें एक छुम्मा व्यापारिक विश्राम लेबे चाहे छे कार्यक्रम के दोसर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहे छुन थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दे रहा छुन हमें तोरी सियान के संग हमें नीरज खवास कैमरा दिशन साथ दे रहा छी जयराज राजवंशी जी आर आज हमें बातचीत जोड़ी रहा छुन अपने सी के थारू समाज में संघर्ष बहुत संघर्ष कर ल एकजना महिला रहा छी जेकि कोई नया हबी के थारू महिला उत्थान समाज के अध्यक्ष सीता चौधरी जी रहा छी ओकरा फिर से स्वागत छु सीता जी फिर से स्वागत छु धन्यवाद देखिए फिर से बातचीत जोड़े चाहे छुन अपन सिके थारू समाज के लागि गहमनी अखने बिहा के समय भी आबि रहल छी अखने एटा बिहा में जे कि गहमनी दान दहेज के बारे में किने देखि रहल छी ते धन्यवाद एटा क्वेश्चंस के लागि कथि ले कि हम यहाँ के एक यहाँ सोच रहल छी हमरा सम के समुदाय में जे बिहा बारी जे होइ छै त जुन ई दान दहेज के बात छी त ई एकटा त दहेज प्रथा रोकू कहीं के विभिन्न संघ संस्था सब भी चलाइने छले और यहाँटा बात में हमें यहाँ जोड़े ले चाहे छी वास्तव में हमरा सब के ऊ जुन थारू समुदाय के दान दहेज जे जुन बेटी के दया के पठाई छे तो हमरा सब के घर के स्थिति पनि देखू कहीं ले चाहे छी पहले कथि ले कि हमरा सब के घाटी हेड़ी हाट नहीं ले पड़ते तो घर के स्थिति पनि देखू लोग के देखा सीखी नहीं करू जे बेटी के हमें केनंग वाला घर में ब्याह करके दे छी तो केनंग वाला हमर कथि कहे छे जे ज्वाई छे माइया के हमर दमाद हमर जमैया केनंग वाला छे और केनंग करते और ओकर घर में हमर सामान के सुरक्षित हेतै कि नहीं हेतै सामान आरते कि नहीं आरते जिनंग घर रहे छे कुन वाला सामान पठा दे छे बहुत बहुत मांग हाँ मांग अनुसार के कथि के सामान पठा दे छे उन वाला कथि तो ओहो मांग करने रहे छे उन ओ सामान के बिचौली हे छे अपन ठाउ में और दोसर बात अपन आर्थिक अवस्था के पनि मद्देनजर नहीं राखि के काम होइ छै कल तो आर्थिको अवस्था ही सुकना पड़े छे ई दान दहेज के बात में जुन हमरा सम के चेली बेटी के बहुत किस्म के बाधा अड़चन और साथ साथ समाज के देखा सीखी एकरा से हमें एटा तो इने हेलन त दान दहेज दे के गाड़ी दे के जमीन दे के एटा तो बेचल यहाँ नहीं हेली एटा चाहिँ एकदम चेली बेटी के चाहिँ बेच कति के चाहिँ चेली बेटी जना जे ई लड़का खरीदै छै ल ई दुल्हा के किनै छै लखा भए जाइ छै कल त ओ डिमांड कर छै हमरा बाइक चाही हमरा जमीन चाही हमरा ई चाही तर हम ई बात में कथि कहै ले चाहै छी भनदेखिन हमरा सम के लोक के देखा सीखी जे करबै त हमरा सम के जे हेतै अपन बेटी जमा के
कोनो रकम हमरा सबके ओ बच्चा सबके नाव में देते तो बच्चा सब कुछ करके खेते न। और दोसर बात इो जोड़े ला चाहिए जे हमरा सबके कसा कुटी घर देख कथी कहे देखल उपा पातर न हमरा सबके थारू समाज में जे एक घर देख आर इना कसा कुटी इना आवश्यक छी अपन सिख समाज के लागि ई भनेको अपन संस्कार संस्कृति पनि नै बिर्सना छ अपन संस्कार संस्कृति के पनि कायम राखना छ तर ओकरा परिमार्जन करके लजाना छ कति लागि पहिले आब हमरा सबके जेनंग भेलै भेलै तर अखुनका के जुन समय अनुसार परिवर्तन हैके चाहिँ संस्कार संस्कृति जोगाइले पर्तै तर एकरा परिमार्जन करके लजाइले पर्तै जेनंग हम कहिले चाहै छी कि बिहा शादी करै छै कसा कुटी दान दहेज दान दहेज के बात में इएह कहै छी हम कि हमरा सबके जे डिमांड करै छियै ओ चेली एक तो ओ बेटी दै छै तकर साथ साथे ओतना रकम के सामान दै छै ओ साथ साथे जे नेता पुरै लए आबै छै ओहो सबके एकति समस्या भए जाइ छै कतना पैके घरैसी समस्या होइ छै तऽ तहिना करके चाहे एकरा एक रति कम करके जे ओ दान दहेज दए के ओ भरिया बर्तन अनेक चीज घर में राखे वाला ठाउँ रहै छै नै रहै छै ओकरा चाहिँ हमरा सबके कुछ रकम दए के आबे वाला दिन में कुछ ऊर्जा होस और कुछ कर के खाओस ताकि बेटी के ओ भरिया लागे हटिया बाजार में बेचे के पड़े वाला परिस्थिति नै आइन दोस हम ई कहले चाहे छी भरिया कुड़िया तो बहुते देख पड़े लेकिन ओ बेटी जमा फिर वह भरिया बर्तन लाके हटिया बाजार में बेचे ला आबै छै तो वह अनुहार देखे छै तो एक रति कनिकरा नै निक लखा लागे छै तो कुछ रकम हमरा के अपन बच्चा के देबै तो कुछ बिजनेस व्यापार या तो कुछ करके खेतै तो उन वाला करके जाऊं और जुन कथी कहै छै घर देख कसा कुटी ई सब इहो सबके जोगाना छै तर एकरा कनिकरा परिवर्तन करके लजाना छै हमरा सबके अपन संस्कार संस्कृति जे नंग करके बिहा में जतना खर्च करै छी ओहिसे भी डबल खर्च हमरा सबके कसा कुटी घर देख में होइ छै तो वएह पैसा हमरा सबके एक रति जोगा के वएह नेतै में लिख देबै घर देखो करबै सीमित में करबै लड़का लड़की के बोला के फूलमाला करबै सीमित में करके वएह खर्च हमरा सबके एक चोटी बिहे में करबै तो कुछ पैसा तो परिवार के लागि बचलै न त आ ओ भए भर को ऋण कर्जा लै के जगह जमीन राख के बिहा के पूरा बिहा करल तो करै छै तर देखा सीखी में अपना ऋण में डूब जाइ छै इटा चाहिँ एक रति परिवर्तन हेती तो बहुत असर लागती लखा लागै ये हमरा फेर इनै छन त अखनी अब बेटी के बिहा करे खना दान दहेज ओतना बेसी नै दै छै त गां घर के समाज भी ए बेटी रे बिहल के सामान नै देल के इतना देल के उतना देल के इटा के बारे में कुन कहै छै इटा के बारे में इएह कहल चाहे छै जे एकटा परिवार से शुरू हेतै तो एकटा दुईटा परिवार से शुरू हेतै हेतै तो हमरो सबके समाज ई बात इटा परिवर्तन बात के मानै ले पड़तै कथी ले कि जोहो जे नेता पूर्णिया सब जे छै जे सर समाज के लोग छै ओहो सबके बुझै ले पड़तै जे हमरा सबके जे सही काम छै ओ काम करे पड़तै कि ई नै छै जे हमरा एकदम बोरा के बोरा बर्तन गाड़ी के गाड़ी बर्तन भरिया देखाना छै आ बेटी जमा के बाजार में ल जाके एकटा भरिया बेचे वाला बनाना छै ओ नै हमर बेटी बेटी के बिहा करली तो ई कथी कहै छै जे कुछो घर संबंध कर कुटुम जोड़ली तो भरिया बर्तन के व्यापारी बना देली से नै ओकरा अपनो समाज के लोग सब सोचे पड़तै और ओ सोचे के लेल हमरा यहाँ के चाहे कथी कहै छै जनचेतना है के चाही थारू महिला उत्थान से कतना के कम्युनिटी में भीड़ ल छी लागल छी त दान दहेज रोके लगनी थारू महिला उत्थान समाज इटा दान दहेज के लागि हमरा सबके लागल छियै और जुन अखुनका एक रति पहिलका देख के भी अखुनका एक रति परिवर्तन भए रहल छै सिर्फ पहिले रहै त आब एक रति कनिकरा चाहिँ परिवर्तन भए रहल छै सोच हमरा सबके इएह बनाइने छी जे कथी कहै छै जे जुन बिहा कसा कुटी में हमरा सबके एकदम खर्च ऊपर खर्च खर्च ऊपर खर्च कर रहल छै ओहिमे कुछ सीमित करके हमरा सबके खर्च करू बिहा भी करना छै संस्कार संस्कृति भी जोगाना छै तर कनिकरा परिमार्जन करके ल जाना छै और ई दान दहेज के बात में हमे आब हमरा सबके समाज में कतौ भी बियाह शादी होइ छै त हमरा सबके दुई चारटा शब्द समूह सुकना राखै छी जे भरिया बर्तन दै वाला ठाउँ मे न जे हमरा सबके 1000 2000 3000 में भरिया बर्तन किनबै जे वएह 2025 हमरा सबके खाम में हाल के देबै तो परिवारों के बनिया भेलै और साथ साथे एनियो बनिया भेलै कह के हमे चाहिँ ओ कहै ले चाहै छी और ई रोकै के निमित्त त आब सर्वप्रथम त आब जनचेतना चाहिँ हमरा सबके फैलाबै और एकर लागि चाहिँ भिरल छियै करै के निमित्त और हमरा इतना तक विश्वास छै अवश्य भी परिवर्तन करबै कह के हम सोच बनाइने छियै तहु एकटा थारू समाज के महिला तोर बिहा के टाइम में इनन खलक समस्या हेलो छलो कि नै दान दहेज के बारे में हमहु थारू समुदाय के छिए और हमरो बिहा हेथिन एहिना के समस्या सम छले
तो तखन का भी हमे चाहे पहिले से हमर सोच रहे कि हमरा भरिया बर्तन नहीं, हमरा दान दहेज नहीं, हमरा पैसा दी हमें कुछ कर के खेबे, हमें ये भरिए हमरा बोका देवे तो हम भरिया के देखबे कि हम परिवार के देखबे कि कथी तो वो भरियो बर्तन के कारण से घर में जेठानी देवरानी सौ ससुर में विभिन्न किस्म के विकृति बात सम पारिवारिक झमेला पड़ जाए छे। तो ते के लेल हमरो ब्याह है कि ना एनंगे समस्या समेल रहे बहुत किस्म के, तो हम खुद भोगने छी उस ऊ में। तो ते से हमें या कहले चाहे छी जे कहीं करा परिवर्तन करके लऽ जाऊ, कथी तो हमरो रोके ब्याह शादी है कि ना इएह दाने दबज के फलना के बेटी के इतना गागरी अल चिलना के बेटी के इतना गाय अल बहुत गाँव समाज में बोले छे, तो हमरो रोके वहींगे भोगे ले पड़ल। तो वही से हम एक रत्ती कनिक दिक्कत छे, तो एक परिवर्तन करे पड़ते कह के सोच में छे हमें। अखने इना बात एक रोके चाहछन जे कि तो संग हमें दोसर बात जोड़े चाहछन जे कि सीता चौधरी महिला कमित महिला थारू महिला समाज के उत्थान के अध्यक्ष विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना करल छे, विदेश तक भी पुगि गेल कि महसूस करी रहल छे, कतना के संघर्ष छे इना कार्यक्रम माने लगने अपन सी के थारू समाज के कार्यक्रम माने लगने। धन्यवाद। हमें कार्यक्रम के कार्यक्रम और बहुत करली, हमरा सबके थारू महिला उत्थान समाज के सम्पूर्ण महिला दीदी बहनी के साथ सहयोग पाइप के साथ साथ ऐ सुकना के सामाजिक बुद्धिजीवी और स्थानीय तो के कथी कहे सहयोग करने यार सबसे बहुत सहयोग पाइप के बहुत रे उत्थान समाज और कार्यक्रम करते अल स्टेज कार्यक्रम जनचेतनामूलक कार्यक्रम सेवा के क्षेत्र में जन बाढ़ी पीड़ित के अग्नि पीड़ित के तेन बौद्धिक अपंग बाल बालिका के क्षेत्र में काम करते अल। तो वहींगे क्रम में हमें 2016 में हमरा थारू कल्याणकारिणी दोहा कतार चैप्टर से माघी महोत्सव चलाइले बोलाइने छले विदेश कतार, तो एकदम खुशी महसूस है, गर्व भी लागैए, कखन को दुख भी लागैए, गर्व कथी ले लागैए भने हमें एकटा थारू के बच्चा सर्वसाधारण परिवार के और हमें एकटा महिला भए के जे हम अंतर्राष्ट्रीय ठाउँ में आबि के अपन थारू भाषा के कार्यक्रम चलाइ ले पाबली, ओहि सुकना बहुत गर्व लागे, जेना मान सम्मान हमें पाबली उटा गर्व के महसूस करै छी। और ये उत्थान समाज में लाइक के जे एकदम निस्वार्थ भाव से ये संस्था के और सीता चौधरी के माया कर देने छे, सहयोग कर देने छे, ओहि सुकना गर्व लागे। दुख हमरा ऐ सुकना लागैए जब हम ये उत्थान समाज एकटा थारू जाति के मात्र नहीं भए के विभिन्न जात जाति के क्षेत्र में काम करे वाला एकटा संस्था छी, तो वही सुकना बहुत किस्म के चुनौती बाधा अड़चन सम बहुत हेपाई बहुत किस्म के झटा पटा सम फेंके छै, तो तखनका एकदम दुख लागे कथी तो हमरो के इएह समाज के बेटी छियै ने, इएह समाज के पुतौ छियै ने, हमरा सम त दोसर के नहीं छी, सर्वप्रथम तो हमरा सम के नेपाली छी, नेपाल में रहे वाला थारू जाति छी, और ई थारू जाति सबको के क्षेत्र में जब काम करे ला आगा बढ़ल छै तो हमरा लागे हाथे मालो कर देना चाही, और जब कार्यक्रम सफल होइ छै तो हुनका हमरा बड़का गर्व महसूस होइए जे एकटा थारू जाति के बच्चा भए के और महिला सब के हाथ में हाथ साथ में साथ मिला के एकटा टीम बना के एकटा कोनो कार्यक्रम सफल करै छी, तऽ हुनका हम एकदम गर्व महसूस करै छी जे हम एकटा थारू समुदाय के चेली बेटी भए के एकटा कार्यक्रम सफल करै छी, आबे वाला दिन में और हौसला मिलैए। जेकि अखने अपन सबके समाज के बारे में गप करम, जेकि अपन सबके समाज में इना थारू कार्यक्रम आने लगना अपन सबके नेपाल के राजनीतिक कहनी अपन सबके समाज से बहुत नेता सब ऊपर गेल छी, उना ऊपर गेल नेता अपन सबके समाज के नेता सब किन के देखी रहल छु, कतना के हौसला दे रहल छु इना कार्यक्रम के बारे में। हमरा सब के राजनीतिक क्षेत्र में जब घुसै छी तो ये महिला उत्थान तो एकटा शुद्ध सेवामूलक संस्था छी, कोनो राजनीतिक चपेटा नहीं छै, और जब हमरा सबके कोनो भी कार्य सब आने छी तो हमरा सबके बाधा अड़चन से राजनीतिके क्षेत्र से आबै छै, राजनीतिके क्षेत्र से बाधा अड़चन सब बहुत किस्म के बाधा अड़चन सब आबि दै छै, और कोनो भी कार्यक्रम सब करै छी तो हमरा सबके कुछ तरीका से सहयोगो मिलै छै और कुछ तरीका से एकदम बाधा अड़चन के सिर्जना आनि दै छै, एकदम ई पार्टी ऊ पार्टी वाला हावी बात आनि दै छै, तऽ एक रति कनिकरा हमरो के बहुत समस्या भए जाइ छै ई कार्य सम करै के लागि। एक छिन हमें बातचीत रोके चाहछुन लेकिन तोर छिन देखि रहल छै थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में हम आज बातचीत जोड़ी रहल छुन थारू महिला उत्थान समाज के अध्यक्ष सीता चौधरी जी संगे, ओकर संगे हम एक छिन बातचीत रोके चाहछिन जेकि हम कार्यक्रम में एकटा छुपमा व्यापारिक विश्राम लेबे चाहछुन। Thank you.
कार्यक्रम के अंतिम व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे जासिन तोरी सियान के मन पसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दिया रहा हमें तोरी सियान के संग हमें नीरज खवास और इतना खान हमारा कैमरा दिशन साथ दिया रहा जयराज राजवंशी जी और वही कर हमें आज बातचीत जोड़ी रहा जेकि अपन सी के थारू समाज में बहुत ही संघर्ष कर ल थारू महिला उत्थान समाज के अध्यक्ष सीता चौधरी जी हमारे संगे बातचीत जोड़ी रहा फिर से हमें अंतिम अंतिम दिशा नहीं रहा ओकर संगे हमें फिर से बातचीत जोड़े चाहते सीता जी फिर से स्वागत कार्यक्रम धन्यवाद जे कि माघ आबि रहल छी आब बहुत जल्दी एक महीना बाकी छी जे कि पोहर साल भी माघी महोत्सव भेल छलिए ई पारिक माघी महोत्सव के तैयारी किने छु हेतिक नहि हेतिक कते आबे वाला इता माघी महोत्सव ई पारिक माघी महोत्सव के स्थान कते छी धन्यवाद हमरा सबके 2073 साल में भव्य माघी महोत्सव मनैली माघी महोत्सव जमा हमरा सबके 3 दिन के मात्र प्रपोजल में बनेने 2073 साल में तर थारू परिकार के माग बहुत आवे के कारण से 3 दिन थप कर ली और इटा चोटी 2074 साल के इटा माघी में तैयारी कर रहल छे हमरा सबके और ई माघी महोत्सव के स्थान रहते ये रामधुनी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 झुमका बाजार में नहर के डील में और पोरो साल ओतिए करने छली और इटा माघी महोत्सव के तैयारी भव्य और एक हफ्ता के सोच बनेने छी और तैयारी भी कर रहा छी इटा माघी महोत्सव चाहे जनचेतना एक हमरा सबके समाज में जनचेतना मूलक भी होस और उ स्टेज से हमर थारू जाति के मात्र नहीं भाग के विभिन्न जात जाति के झांकी प्रदर्शनी साथ साथ थारू परिकार और विभिन्न जात जाति के परिकार सब भी वही सुकना रहते और मनोरंजन लय के लिए खेलकूद सब भी रहते और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार सब भी वही सुकना हमरा सबके आने के सोच बनेने छे और हमरा सब में चाहे स्टल साथ साथ थारू जाति के संग्रहालय थारू जाति के संग्रहालय थारू जाति हमरा सबके जे विभिन्न थारू जाति में है वाला जनक समा चकेवा बिजली ढमा ढकिया अनेक किस्म के संग्रहालय में राखे वाला मरवा देवताघर थारू महिला के आकर्षक मूर्ति ई सब के सोच बनेने छे तो 2073 साल से इटा चोटी से 74 साल में एक रती वही से पनी बेहतर और भव्य मनाई के सोच बनेने छे और ई माघी महोत्सव के सोच कति रहते बने आपन रामधुनी नगर के पर्यटक प्रबंधन के लागी और हमरा सब के संस्कार संस्कृति के जगेड़ना और जिनंग करके नेपाल बहु जाति बहु भाषी कह के चिन्हय छै ओइनंगे करके हमरा सबके ई रामधुनी नगर में विभिन्न किस्म के जात जाति छै तो विभिन्न किस्म के संस्कार संस्कृति के अंगालैत इटा चोटी के माघी महोत्सव के सोच एनंग वाला राखने छै देखि थारू परिकार दिने भी कहलै इटा माघी महोत्सव में थारू समाज के मात्रै उपस्थिति हेतै कि आरो भाषाभाषी नहीं और भाषाभाषी के पनी हमरा सब के उत्थान समाज जहिया भी कोनो भी कार्यक्रम करे छे तो विभिन्न जात जाति के समेट के कार्यक्रम करने छे तो एउटा चोटी आदिवासी लगायत संपूर्ण नेपाली भाषी के हमरा सब के ऐ सुकना आने के सोच और सब चोटी आने छी इटा चोटी और भी भव्य तरीका से करबे विभिन्न भाषाभाषी के और विभिन्न जाति के परिकार के भी सुकना प्रदर्शनी हेतै अंतिम अंतिम दिशा चलेली से कुन कहे चाहे हमें कहल पूछल माने कहम आर ते कहल कुन छुटल कुन बातचीत छु नहीं एनंग तो सभी बातचीत भाइये गेले अब यह कहले चाहे छी हमें जे हमरा सब के 2074 के माघी महोत्सव के तैयारी कर रहल छी तो ई टीवी देखे वाला और दर्शक साथी सम क्या गति तक हेतु कहीं वरा प्रसारण कर देवे तो ये पुष 30 गते हमरा सम के उद्घाटन हेतै और कार्यक्रम चाहे 6 गते सम चलते और कार्यक्रम एकदम भव्य तरीका से मनाबे के सोच करने छी और ये मीडिया मार्फत जानकारी है वाला संपूर्ण मानुभाव सब के अनुरोध करै छी जे थारू महिला उत्थान समाज के माघी महोत्सव में आबि दै के लेल और सभ्य और भव्य बना दै के लेल हमें यह अनुरोध करै ले चाहै छी अंतिम में इटा कार्यक्रम के बारे में कुन कहे चाहै छै कुन छु सलाह सुझाव इटा कार्यक्रम के बारे में धन्यवाद सर्वप्रथम इटा कार्यक्रम
चाहिँ हामी प्रत्येक आइतबार देखै छी साँझके हमरा एकदम नीक लागैए कतेल त थारू भाषाके कार्यक्रम हमर समाज बहुत खुशी लागैए जे टेलिभिजन सबमे कम्तिए देखै छलिए रेडियो रोममे पनि कम्तिए सुनै छलिए तर अखुनकाके जुन ई हमरा सबके एरिना टेलिभिजन से प्रसारण भए रहल छै तऽ बहुत बहुत हम खुशी छी आओर धन्यवाद दै लए चाहै छी आओर इएहटा धन्यवाद साथसाथे यहूँके नीरज जीके बहुत बहुत धन्यवाद दै लए चाहै छी आओर एरिना टेलिभिजन परिवारके भी धन्यवाद दै लए चाहै छी कथी लए कि एकटा सर्वसाधारण परिवारके आओर एकटा थारू महिला उत्थान समाजके जुन अहाँसम एहि सुकना तक आयल छियै आओर एकटा परिचयके क्रममे जुन दर्शकसम सामू आनि देने छी ताहिके लेल हम सम्पूर्ण टीमके बहुत बहुत धन्यवाद दै लए चाहै छी। बातचीत करदे बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछन हमारे संगे अपने बातचीत जोड़ी रही जी थारू महिला उत्थान समाज के अध्यक्ष सीता चौधरी जी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछन जी हमर समाज थारू भाषा कार्यक्रम में बातचीत जोड़ी दिल्कि ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछन जी एक जानकारी हमें तोरसिन के देवे चाहछन जी कहमनी 2 गते ग्रांड फिनाले इटा मिस्टर एंड मिस थारू के जी काठमांडू से आयोजना आबि रहा मिस एटा मिस्टर एंड मिस थारू जेकि काष्ठमण्डप टेलिभिजन से भी प्रत्यक्ष प्रसारण छी कहिके हम जानकारी देवे चाहछन आर ओहिना करके माघी महोत्सव जेकि थारू महिला उत्थान समाज से आयोजना हेल माघी महोत्सव भी एटा पुष कमनी 30 गते से माघ 6 गते तक चलि रहल छी तोरसिन के एटा माघी महोत्सव अवलोकन करी देवे त बहुत बढ़िया हेती कहिके हम जानकारी देवे चाहछन 1 घंटा तक हमारा कैमरा दिशन साथ दिल्कि जयराज राजवंशी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछन तोरसिन के एटा कार्यक्रम किनेंग लाग्छु कुन सलाह सुझाव छु जन त तोरसिन अवश्य भी सलाह सुझाव देवे सक्छै जेकि सलाह सुझाव के लागि टेलिभिजन स्क्रीन में नंबर ना दौड़ी रहल छु यहाँ नंबर में संपर्क करके सलाह सुझाव देवे सक्छै जेकि हमें आज एटा कार्यक्रम से विदा होबे चाहछन दोसर हफ्ता अवश्य भी भेटघाट हेबे करते तब तक के लगिन हमें विदा होबे चाहछन नमस्कार देखते रहन एरिना टेलिभिजन